पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले क्षत्रिय समाज के लोगों ने कटघर थाना इलाके के मछरिया लालाटीकर मार्ग पर 25 ग्राम को जोड़ने वाली सड़क और सुल्तानपुर तथा गोविंदपुर कला के समक्ष बहुत नीची और जर्जर खराब होने के कारण बरसात के दिनों में मुख्यालय संपर्क मार्ग पूर्णतः बंद हो जाने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद पीतल नगरी से होकर मछरिया लालाटीकर होकर रामपुर की ओर मार्ग जाता है, जिससे बहुत सारे गांव इस संपर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं और सुल्तानपुर ब्लॉक कुंदरकी में रज्जन पुत्र बलदेव की समाधि से गांव के चौराहे होते हुए काजू पुत्र अशोक के खेत तक 4 फीट सड़क ऊंची करके बनाई की जाए, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़ सके। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। सर, आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग थी आप लोगों की, किसको लेकर? छत्तीसगढ़ विकास मंच द्वारा एक सरकार को वो दिया गया ज्ञापन। क्या मांग की गई है? मांग ये की गई है कि मांग ये की गई है कि लाला जी जो मछरिया से जो लाला टीका रास्ता जा रहा है, जो आगे आगे रामपुर चला जाता है, उसमें एक पोर्शन पड़ता है कहने चाहिए सुल्तानपुर पे जो सड़क है वो बहुत टूट जाती है। आवागमन का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और इतना बंद हो जाता है कि वहाँ पे कोई चीज़ आ नहीं आता कि मोटरसाइकिल या कार कुछ भी नहीं चलती है। लोग पैदल भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, मतलब ये कमर कमर तक पानी हो जाता है। तो वहाँ पर ये समस्या लेकर रेडी हम सबसे कि इसको 4 फीट ऊँची उठा दी जाए, जिससे कि यहाँ पर जो 26 गाँव पड़ते हैं वो 26 गाँव की समस्या का निदान, इसको लेकर हम क्या आश्वासन दिया है? सीएम साहब ने कहा है कि काफ़ी अच्छा उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लिखा भी है हमारे सामने, उन्होंने कुछ लिखा था और मैंने बोले मैं CDO को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि वो इसको देखेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।